तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बताऊंगा रेलवे ग्रुप डी के रनिंग खबर, क्योंकि एक महीना यहां से बचा हुआ मेरे भाई। नेक्स्ट मंथ का जैन या फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपका फिजिकल हो जाएगा, ये नोटिस में बोला गया। नोटिस मतलब आप श्योर समझिए वही नोटिस होने वाला है, आप कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं बोलूँगा इंजरी से बचना मेरे भाई, चोट से बचना है आपको, ठीक है ना, इंजरी से बचना है। इंजरी आ जाओगे तो एक दिन का नहीं, आज इंजरी लगा तो यहाँ से 10 दिन आप समझ के चलो कि आपका दर्द होने वाला है। तो गाड़ी अगर चला रहे हो तो स्लो चलाओ, ठीक है ना। रनिंग जा रहे हो तो वैसा ग्राउंड को इग्नोर करो जिसमें ज़्यादा गड्ढा वगैरह है, जिस ठीक है ना, गड्ढा वगैरह। क्यों मैं गड्ढा वाला ग्राउंड से बचने बोल रहा हूँ बता, क्योंकि आप बोलोगे ये स्टोरी मैं समझा तो हल्का तो बता देता हूँ। मेरे भाई का RPF SI में हुआ था 2018 का वैकेंसी, 2019 में रनिंग था उसका। रनिंग का 10 दिन पहले ही वैसा ग्राउंड हो जाता है जमशेदपुर का पुलिस मैदान में, थोड़ा ऊपर नीचे है ग्राउंड, ठीक है ना। तो वहाँ एक गड्ढा था, भाई का पैर चल जाता है, मुचक जाता है, तो वो रनिंग नहीं करने, रनिंग जाता ही नहीं और होता भी नहीं उसका रनिंग, ठीक है ना, हो ही नहीं पा रहा उस दिन। तो इंजरी से बचना है आपको, यहाँ इंजरी हुआ तो अब 10-15 दिन आप समझ लो तो आपका प्रिपरेशन में पूरा इम्पैक्ट डाल देगा। तो इंजरी से बचना है, गाड़ी वगैरह स्लो चलाना मेरे भाई, और ग्राउंड अच्छा चुन लेना, ठीक है ना। आप दूसरी बात, अब वो समय गया कि आप मेरा 5 मिनट आ रहा है, 6 मिनट आ रहा है, मैं धीरे धीरे कवर कर लूँगा, नहीं। ऐसा कैंडिडेट अभी भी 3.5 मिनट में मार दे रहा है, बहुत सा कैंडिडेट मार दे रहा है, ठीक है ना, और बहुत अभी नहीं। तो अब वो समय गया, आप टाइम लगाओ, टाइम लगा के ग्राउंड में 4-5 बार दौड़ो, लेकिन टाइम लगा के दौड़ो, ठीक है, उसको कवर करो। आपको टाइम में कवर करना है, 20 सेकंड 10 सेकंड ऊपर भी जा रहा है ना, तो ग्राउंड में जब जाओगे ना तो वहाँ पर अलग जोश रहेगा, आप कवर कर लोगे रनिंग को, ठीक है, ये बात समझ लेना। लेकिन आप टाइम लगा के अब करने का समय आ गया, आप वो बिना टाइम का नहीं, आप टाइम लगाओ, 2-3 बार दौड़ो, शाम को भी दौड़ो, क्योंकि अभी ठंडी है, दौड़ोगे उतना स्टैमिना मतलब पावर आपका लॉस नहीं होने वाला, ठीक है ना, इतना जल्दी थकोगे नहीं, पसीना आएगा नहीं जल्दी, इसलिए सुबह शाम दोनों दौड़ो, टाइम लगा के दौड़ो। अब वो समय लगे, पहला बार दौड़ रहे हो आराम से स्लो दौड़ो, बॉडी गर्म हो जाएगा, उसके बाद टाइम लगा लो और मारो तेज़ी से, अब स्प्रिंग जो मारना है मारो आपको, और कवर करो, अब टाइम लगा के करना है, ठीक है। और दूसरी बात, ये तीसरी बात हो जाएगा, सॉरी, तीसरी बात, आपको अब वेट उठा के भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है, वेट उठा के भी प्रैक्टिस करना आप सीख लो। आप कोई भी 35 kg का बोरी है, कौन सा बोरी लेना मैं बता देता हूँ, जूट वाला बोरी होता है ना, जो बोरी जूट का होता है उसमें 35 kg, आप थोड़ा वेट बढ़ा के 40 kg कर सकते हैं, ठीक है ना। अब 40 kg का पहला दिन उठाने का प्रैक्टिस करो, आप सोचेगा मैं ग्राउंड वहाँ जाओगे और उठा लेगा, भाई नहीं उठेगा ना, आपका मोच वगैरह भी आ सकता है। तो आपको आप प्रैक्टिस करने का आ गया वेट वाला भी, तो आपको वेट को पहला दिन उठाने का टेक्निक रखो, कैसे उठाना है आपको, आपको अपना होना है, याद रखना वेट वाला को आपको कैसे भी कैरी करना है, लेकिन ज़मीन में टच नहीं होना बॉडी, जैसे ज़मीन में टच हुआ आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये रखना है। तो अब समय आ गया कि वेट वाला का भी प्रैक्टिस करना है, रनिंग तो हो रहा है, वेट उठाने का भी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। वेट उठ गया, 100 मीटर 2 मिनट में आराम से जाओगे मेरे भाई, मत टेंशन लो, आराम से जाओगे, ठीक है ना। तो वो टेंशन बस उठाने का टेक्निक आपके पास होना चाहिए, तो ये सब चीज़ आपको इग्नोर करना है, ठीक है। पहले तो बाइक वगैरह चलाओ तो स्लो चलाओ, ग्राउंड अच्छा है, लेवलिंग वाला चुन लो, ऊपर नीचे जब इंजरी आओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, रोड रनिंग छोड़ दो, आप नी में प्रॉब्लम आने लग रहा है तो छोड़ दो रोना, ग्राउंड में दौड़ो, अच्छा लगा ग्राउंड चुन लो, एक महीने का समय है, मस्त दौड़ो। और दूसरा वेट उठाना सीख लो, आप वेट उठा के आपको रनिंग करना है, ये टाइमिंग लगा के रनिंग करो, वेट उठाओ, वेट उठाना सबसे इंपॉर्टेंट है, वेट लेके जाना नहीं। आप एक बार वेट सही जगह रख लिए तो आपका रनिंग भी सही आराम से हो जाएगा, 2 मिनट में 100 मीटर कोई बात नहीं, रेंग के भी जाओगे तो कवर कर लोगे, ठीक है। तो इंजरी से मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंजरी से बचना है। और आप लोगों का जैन में होने वाला और एक वीडियो लाऊंगा, क्योंकि क्या होता है जब ग्राउंड में आप पहुँचोगे ना, लाइन में लग जाओगे ना, तो दूसरा कैंडिडेट को देख कर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, तो मैं उसको कैसे दूर करना वो मैं बताऊँ, क्योंकि वहाँ बहुत बुरा होने वाला है लाइन में, कोई पैर में ये कर रहा वो कर रहा, कोई चना खा रहा क्या, ये सब देख के लगो कि हम क्या कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो वो सब चीज़ को इग्नोर कैसे करना है क्या होना वो मैं उस बारे में बताऊँगा, क्योंकि वहीं पे कैंडिडेट बहुत हार जाते हैं कि ये बंदा ऐसे कर रहा है, ये पैर में ये बांध दिया वगैरह बांध दिया, अब हार जाओगे, इतना जान लगा। तो ये सबसे कैसे बचना है मैं बताऊँगा, पहले मैं जो 3 चीज़ को बोला हूँ उसको अभी समझिए, उसको ध्यान से पूरा कीजिए, और आपको समय आ गया है आग लगाने का तो लगा के आना मेरे भाई।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा जरूर। कोई भी डाउट होता है कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने का पूरी कोशिश करूँ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।